morning, children. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, for class 10, these days we are preparing carbon and its compounds. So today we will move to a very interesting and very, very important heading, that is the hydrocarbon. What is the meaning of hydrocarbon? Children, is it as the name suggests, hydro and carbon. Hydro means hydrogen. Carbon means carbon. All the compounds containing hydrogen and carbon are called hydrocarbons. Like your methane, ethane, propane. Right? Jitne bhi compounds jo ki carbon aur hydrogen ke milne se bane hain, unhe hum hydrocarbons. Okay, hydrocarbons may be of two types. That is acyclic. Acyclic, A का मतलब होता है no. जो A लिखा है इसका meaning ही है no. जिसमें cycle ना हो, circular ना हो, ring में ना हो, तो वो acyclic या इसी को हम कहेंगे covalent. और दूसरा टाइप है cyclic orbital. या तो cycle form में होगा, ring बनी हुई है, देख रहे हैं ना यहाँ पर ring बनी हुई है, right? तो पहले इस question की बात करते हैं. Acyclic may be of two types. Are of two types. Saturated and unsaturated. इन दोनों में difference आता है board examination. What is the difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons? Children, saturated hydrocarbons are alkanes. जितने भी single bond होते हैं, आपने पढ़ा था ना, carbon has a property to form single bond, double bond and triple bond. जितने भी single bond वाले compound होंगे, ऐसे carbon और hydrogen compounds जिनमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे उन्हें हम कहेंगे सैचुरेटेड. वो सारे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के जिनमें कोई ना कोई डबल बॉन्ड आ जाए या कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड. अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे कहेंगे एल्कीन. एल्कीन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे ही हम कहने लगेंगे एल्काइन. एल्काइन ओके. तो एल्केन वाले हैं सारे सिंगल बॉन्ड्स जितने भी होंगे. अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसे आप कहने लगेंगे एल्कीन. लाइक वाइज अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे आप कहने लगेंगे एल्काइन. यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. देखिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. इसमें एन की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं. मैं एक आपको करके दिखा रही हूँ बाकी आप समझ जाएंगे. सी की वैल्यू 10 है यानी कि सी हो गया 1. एन की जगह में 1 रखना है. एच 2n का मतलब 2 × 1 और प्लस 2. तो सी तो 1 है यहाँ पर लिखा होता वहाँ कोई नंबर नहीं. सी एच क्या आ जाइए 2 × 2 2 + 2 4. सी एच 4. एक कार्बन जब होता है एन बराबर 1 तो उसको हम कहते हैं मेथ. बहुत ही जल्दी आप IUPAC पढ़ने वाले हैं जिससे आप IUPAC एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप कंपाउंड्स के केमिकल कंपाउंड्स के नाम रखते हैं तो उस पैटर्न को आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा किसका क्या नाम होता है. फिलहाल ये समझिए सिंगल बॉन्ड वाले सारे कैसे हैं आपके एल्केन्स हैं. सबसे कैसे बन जाए स्कोर कर देखिए सेंटर पे सी तीनों तरफ सॉरी फोर टाइप चारों तरफ से क्या आ जाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्यूपाइड विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. यू विल हैव CH4 दिख रहा है ना आपको यहाँ पर इजली CH4 सारे एच हैं राइट. फिर बात करते हैं एल्कीन की. एल्कीन जनरल फॉर्म है CnH2n. जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे C2H4. C2 लिया तो H कैसा होगा 2 दूसरा
क्या करते हैं, दो कार्बन है दोनों को साथ में रख देते हैं, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि दो ही हाइड्रोजन है, दोनों को बांटना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, अब दोनों के पास एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। क्या करना है, चार वैलेंसी चाहिए, एक कंप्लीट है, कितनी बची, थ्री और, तो थ्री बॉन्ड हम इसको बना देंगे। एज यू सी यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। मीन्स इन केस सारे सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। नाउ मूविंग टू द साइक्लिंग और रिंग, अगर साइक्लिंग की बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, आइदर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। चिल्ड्रन होमो में सेम, जब पूरी की पूरी रिंग में जितने भी एटम हैं वो सारे सेम से सारे कार्बन तो वो होमोसाइक्लिक, पर अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट चेंज हो जाए, सारे कार्बन हो, एक ऑक्सीजन आ जाए या एक नाइट्रोजन आ जाए या एक सल्फर आ जाए, तो उस कंडीशन में उसको हेट्रो कहते हैं, क्योंकि हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट, राइट। होमोसाइक्लिक आर ऑफ टू टाइप, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलीसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, वो हो जाएगा एलीसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स, देखिए यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हेक्सागन में, कैसे रहेंगे, जितने भी कॉर्नर हैं ये सारे के सारे हैं कार्बन, बात समझ में आ रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है, यहाँ भी सारे कॉर्नर्स कार्बन है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ये हो जाएगा साइक्लो एल्केन, डबल बॉन्ड हो सकते हैं पर अल्टरनेट अगर हैं तो हम उन्हें कहेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमा, अरोमा मीन्स होती है स्मेल, अच्छी वाली स्मेल, तो एरोमेटिक सारे कंपाउंड जो होते हैं उनमें एक स्मेल आती है, आप सबने घर पे फिनॉल यूज किया होगा, तो फिनॉल की बॉटल जैसे खुलती है स्मेल आती है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और हमारा क्या बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन, हेक्स मतलब छः कार्बन, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः कार्बन है और साइक्लिक की फॉर्म में, तो साइक्लो हेक्सेन। दैट्स ऑल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टू द होमोलॉगस सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो, राइट। टिल देन थैंक यू सो मच, मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।